हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एग्जांपल वन को सॉल्व करेंगे हैं, जो कि है क्लास नाइन की किताब से ट्रायंगल्स। इसमें हमें गिवन दिया हुआ है कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ डी बराबर है ओ सी के। हमें प्रूफ करना है ये जो ट्रायंगल ए ओ डी है वो बराबर है यानी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के यानी इस वाले ट्रायंगल के। और दूसरा जो है इसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ए डी वो पैरेलल है बी सी के। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल है प्रूफ के अंदर हम सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें गिवन दिया हुआ है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, दिस इज गिवन, और ओ डी बराबर है ओ सी के विच इज ऑल्सो गिवन। और हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये जो लाइन है ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है हमने चैप्टर सिक्स में देखा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एंगल वन जो है एंगल टू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं लाइन के इंटरसेक्ट करने की वजह से ऑपोजिट एंगल। तो अगर मैं देखूँ ये ट्राइंगल किस रूल के ज़रिए से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखा जाए यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर इन दोनों के बीच में ये एंगल है और इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है। तो साइड एंगल साइड के ज़रिए से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के बाई साइड एंगल साइड रूल। और दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है ए डी पैरेलल है बी सी के। अब ऐसा करने के लिए कोई भी लाइन जब भी पैरेलल होती है जब वहाँ पे तीन तरह के एंगल्स हमें इक्वल नज़र आते हैं, या तो ऑल्टरनेट एंगल हो या करस्पॉन्डिंग एंगल हो या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल होने चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, उसकी सारी साइड इक्वल होगी और सारे एंगल जो हैं इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो एंगल है इसको एंगल थ्री मान लेता हूँ और ये जो एंगल है इसको मैं एंगल फोर मान लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए ओ डी के अंदर एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर होगा, जो कि ट्राइंगल बी ओ सी के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ज़रिए से लिख सकते हैं सी पी सी टी। इन शॉर्ट क्या मतलब है इसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो और इसके अलावा हम देखें ये जो एंगल थ्री एंगल फोर है ये दोनों मिलकर ऑल्सो एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर मेकिंग, ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं तो जिस लाइन के साथ वो होते हैं सी डी एज अ ट्रांसवर्सल होगी, तो ये जो लाइन ए डी है और बी सी ये पैरेलल रहेंगे एज सी डी इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ए डी विल बी पैरेलल टू सी बी, सी बी कह लीजिए या बी सी कह लीजिए। यही हमें प्रूफ करना था इसके अंदर।